वालेकुम, कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स? मेरे तमाम चाहने वालों को मेरा सलाम। वेलकम बैक टू माय विश मसाला किचन। आज मैं आप लोग के लिए एक बार मज़ेदार ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्पाइसी बर्गर। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से बर्गर बनता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, बाकी के बर्गर जैसा आपको मिलेगा ये बर्गर, ठीक है। और सिंपल घर के तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास, ठीक है। एक दो सॉसेस हैं जो कि हमें बनानी है, वो हम और बनाने के प्रोसेस में जाने अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। जनाब, अब हम सॉस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इसमें एक कप मेयोनीज डाला है। मेयोनीज है गार्लिक मायो, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है केचप ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम मस्टर्ड सॉस का इजाफा करेंगे। हम इसमें ओयस्टर सॉस डालेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे सिर्फ। 2 ड्रॉप ऐड करने के बाद अब इसमें हम इसमें चिली सॉस भी ऐड करेंगे। तो जनाब, अब हम बर्गर के लिए कोल्सलॉ सॉस बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे बंद गोभी को कट कर लिया है, बारीक बारीक कट करना है, ठीक है। हाफ बंद गोभी मैंने इसमें ऐड की है। इसके अलावा मेरे पास ये सिंपल मेयोनीज हैं, ये मैंने हाफ कप मेयोनीज ली है, और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा अब हम इसमें मिल्क भी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। जैसे जैसे ये मिक्सअप होता जाएगा, ये थोड़ा थिन होता जाएगा, क्योंकि मेयोनीज थिक होती है, तो हम इसको थिन करने के लिए इसमें मिल्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनाब, मेयोनीज हमारी अच्छे से मिक्सअप हो चुकी है कोल्सलॉ के लिए। अब हम इसमें ये बंद गोभी यानी कॉलीफ्लावर को ऐड कर देंगे और मिक्सअप करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे ताकि मिक्सअप अच्छे से हो और रेस्टोरेंट जैसा आपका कोल्सलॉ तैयार आप घर में कर सकें। जी तो जनाब, ये हमारा कोल्सलॉ, होममेड कोल्सलॉ तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा कोल्सलॉ की, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा किस तरह से आपने कोल्सलॉ यूज़ किया अपना और कैसी रेसिपी लगी आपको। जी तो बन फ्राई करने के लिए हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे तवे पर, ठीक है। इस तरह से हम एक सीधा एक उल्टा इस तरह से करके सीरीज में हम मेंशन करेंगे, तवे पर रखेंगे, ठीक है, देखकर रखेंगे ताकि कबाब जले, सॉरी बन जले, ठीक है। और दूसरी तरफ हम अपने कबाब को सेक रहे हैं ताकि फ्राई हो जाए। अब हम हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चेंज करते रहेंगे इसका रुख, ताकि बन जल्दी जल्दी हो जाए। और स्लो फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना, वरना बन जलेंगे तब आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जी तो आप इस तरह से फ्राई करते जाना, ठीक है, सेक कर बन को, और फिर स्लो फ्लेम पर सेक कर उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से मैरिनेट करना है, उस तरह से मैरिनेट करना है। अब हम अपना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने जो सॉस बनाई थी इसको हम अब बर्गर पे ऐड करेंगे। ये बर्गर पे हम पेस्ट लगा के रख रहे हैं सारा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में लगाएंगे। नीचे का हिस्सा था बर्गर के, अब हम इस हिस्से पर लगाएंगे अंदर की साइड। ये देखेंगे ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे की साइड मैंने पेस्ट लगा लिया है। इसके अलावा अब हम इसमें कोल्सलॉ ऐड करेंगे, अच्छे से फैला देंगे कोल्सलॉ। कोल्सलॉ हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे, फ्राई किए हुए कबाब। पहले सारे हम कबाब फ्राई कर लेते हैं और बर्गर को हल्का सा सेक करके रख लेंगे तमाम बर्गर को, लेकिन जिस तरह मैंने रखा है। और ये पेस्ट हम पूरे में लगा देंगे तमाम बर्गर को, ठीक है। उसके बाद हम कोल्सलॉ और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ऐड करते जाएंगे। ये हमने कबाब ऐड कर दिया, इसको फैला के लगाना है ताकि बर्गर में पूरी तरह से ये मिक्सअप हो जाए। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस से बर्गर में जो चीज़ीपन आएगा वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। मैंने अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे बर्गर के ऊपर वाले हिस्से से, ठीक है। जी तो जनाब, अब हम इसको चीज़ को मेल्ट करने के लिए जो हमने अंदर रखी है, हम फ्राई पैन में इसे इस तरह से स्टीम देंगे, हल्के स्लो फ्लेम करके इसको ढक देंगे, और 2 सेकंड के बाद हम इसे ढालेंगे ताकि हमारा चीज़ जो है वो मेल्ट अप हो जाए। अगर नहीं होता 2 सेकंड में तो 5 सेकंड रखिएगा मैक्सिमम, उसमें हो जाएगा। हाँ, ये नज़र ही नहीं।
मज़ेदार सा चीज़ी बर्गर तैयार है। आप लोग भी घर में ट्राई करें, उसके बाद रेसिपी बिल्कुल आगे फॉरवर्ड करें या शेयर करें। और जिन जो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करें और राइट साइड पे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ तमाम आपको मुझे रिसीव कर सकें। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।